हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज आज तारीख हो चुकी है 22 अक्टूबर 2021 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2022 के रिगार्डिंग आईपीएल में दो नई टीमों के इंक्लूजन, उनके राइट्स को लेकर और इसके साथ ही टी20 वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग मेगा ऑक्शन को लेकर आठ काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट और आईपीएल के बड़े फैंस हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइज इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। के साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, और ये अपडेट निकल कर आती है आईपीएल में जो हमें दो नई टीमें देखने को मिलने वाली है उनका ऑक्शन भी हमें देखने को मिलेगा, और उन टीमों के ऑक्शन में एक नई हमारे सामने न्यूज निकल कर आई है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये दिखाता है कि आईपीएल का क्रेज अब कहां तक पहुंच चुका है। दरअसल न्यूज ये आई है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि एक बहुत बड़ा फुटबॉल क्लब है, अगर आप लोग फुटबॉल को फॉलो करते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि इनका कितना ज्यादा क्रेज है, इनकी फ्रेंचाइज का कितना ज्यादा क्रेज है, ये आईपीएल में अपनी एक अलग टीम परचेज करना चाहते हैं और इन्होंने बीसीसीआई को इस रिगार्डिंग इन्फॉर्म भी कर दिया है। अब ऑब्वियसली बात है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास और जितना पैसा है, जितनी बड़ी उनकी फ्रेंचाइज है, अगर उनके सामने कोई भी आ जाए तो उनको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी उसको हटाने में। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को परमिशन मिलती है या फिर नहीं, कितनी फॉर्मेलिटीज होती है, वही डिटरमाइन करेगा कि क्या वो फ्यूचर में कभी आईपीएल की कोई टीम परचेज कर पाएंगे या फिर नहीं। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग फुटबॉल की जो फ्रेंचाइज हैं उनका इंक्लूजन देखना चाहते हैं आईपीएल में या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है इन्हीं दो नई टीमों के ऑक्शन की। डेट और उनका वेन्यू हमारे सामने फाइनलाइज हो चुका है, जहां पर डेट तो शायद हमने आपको पहले ही बता दी थी कि अक्टूबर के लास्ट में, यानी कि 25 अक्टूबर के आसपास आप लोगों को इन दोनों ही नई टीमों की नीलामी देखने को मिलने वाली थी, और अब इस चीज को फाइनलाइज किया जा चुका है, जहां पर 25 अक्टूबर को दुबई में आप लोगों को दो नई टीमों का एक प्री ऑक्शन देखने को मिलेगा, जो कि वहां पर इन दोनों ही टीमों का सब कुछ, जो इनका फॉर्मेशन किस तरीके से बिल्डअप होगा, किस तरीके से रूल्स रहेंगे, कौन इनके कैप्टन, लोगो, टीम होगी, ये सारी बातें डिक्लेयर कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है टी20 वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग, जहां पर 5 नवंबर जिस दिन विराट कोहली का बर्थडे होता है उस दिन हमें एक मुकाबला देखने को मिलने वाला था भारतीय टीम का टी20 वर्ल्ड कप में, और ये मुकाबला उस टीम से होता जो कि B1 में क्वालिफाई करती है, और इस मुकाबले में स्कॉटलैंड की जो टीम है वो यहाँ पर क्वालिफाई कर चुकी है, और स्कॉटलैंड की टीम आप लोगों को 5 नवंबर को भारतीय टीम के साथ ग्रुप बी के इस मुकाबले में, यानी कि जो सुपर 12 मुकाबले होंगे उस मुकाबले में भिड़ती हुई नजर आएगी। स्कॉटलैंड ने 123 रन चेस कर लिए थे कल के मुकाबले में, जिसके बाद अब वो क्वालिफाई कर चुके हैं सुपर 12 के लिए, और अब वो विराट कोहली के बर्थडे के दिन भारतीय टीम के साथ आप लोगों को खेलते हुए देखने को मिलेंगे। ये न्यूज इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ ही भारतीय टीम का टी20 वर्ल्ड कप का स्केड्यूल पूरा हो चुका है, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं था कि 5 नवंबर को भारतीय टीम कौन सी टीम के खिलाफ मुकाबला खेलेगी। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से। सीएसके की टीम, जो कि महेंद्र सिंह धोनी की ब्रांड वैल्यू की अगुवाई में नए दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाते ही रहती है, और अब सीएसके की टीम ने एक और ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो कि आईपीएल की हिस्ट्री में आज तक कोई भी टीम कभी भी नहीं बना पाई। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब आईपीएल की हिस्ट्री की ऐसी पहली टीम बन चुकी है जिनकी नेट वर्थ जो है वो $1 बिलियन के आसपास होने वाली है। हालांकि अभी इन्होंने $1 बिलियन के मार्क को क्रॉस नहीं किया है, लेकिन ऐसा करने वाली सीएसके की टीम पहली टीम बन जाएगी। दरअसल फुटबॉल में तो हम कई बार ऐसा देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जो दुनिया भर की लीग्स होती हैं उसमें बहुत सारी ऐसी टीमें जिनकी नेट वर्थ $1 बिलियन से ऊपर है, लेकिन सीएसके की टीम ऐसा करने वाली पहली आईपीएल टीम बन जाएगी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हैरानी की बात तो यह है कि जो बाकी टीमें हैं उसमें से कोई टीम अभी तक 800 मिलियन की नेटवर्थ तक भी नहीं पहुंची है, तो अपने आप में दिखाता है कि चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस बाकी टीमों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन, जो कि अब यहां पर हमारे सामने ज्यादा दूर नहीं है, करीब एक महीने के बाद ही आप लोगों को मेगा ऑक्शन देखने को मिल जाएगा। तो मेगा ऑक्शन में सभी टीमों की कंफर्म जो रिटेन लिस्ट है और इसके साथ ही कौन कौन से प्लेयर्स के ऊपर टीमें अपने आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करने वाली हैं, क्योंकि आरटीएम कार्ड तो हमें इस बार एक ही देखने को मिलने वाला है और रिटेंशन के रूल्स भी चेंज हो चुके हैं, जिसके हिसाब से आप लोग सिर्फ 2 भारतीय प्लेयर्स और 1 फॉरेन प्लेयर को रिटेन कर पाएंगे। तो इस तरीके से नए रूल्स के साथ कौन सी टीम कौन से प्लेयर्स को रिटेन करने वाली है और कौन से एक प्लेयर के ऊपर आरटीएम लगाने वाली है, इन्हीं सबको मिलाकर सभी 8 टीमों के 27 प्लेयर्स की रिटेन लिस्ट हमारे सामने निकल कर आ चुकी है, जिसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो 8 टीमों के ऊपर आप लोगों को हमारे चैनल के ऊपर अभी से कुछ
देर बाद देखने को मिल जाएगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही हम वो वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोग जल्द से जल्द अपनी फेवरेट टीम के रिटेन्ड और आरटीएम प्लेयर्स के बारे में जान सकें। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है वरुण चक्रवर्ती की तरफ से, जहां पर वरुण चक्रवर्ती जो कि एक मिस्ट्री स्पिनर माने जाते हैं और इस बार आईपीएल में उनका प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहा था और युजवेंद्र चहल के ऊपर उनको पिक करने का सबसे बड़ा मकसद भी यही था कि यूएई के पिचेस के ऊपर ही हमें टी20 वर्ल्ड कप भी देखने को मिलने वाला है, जहां पर आईपीएल हुआ था और वहां पर वरुण चक्रवर्ती मैच विनर प्रूफ हुए थे, क्योंकि जहां पर फास्ट बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा रन पड़ रहे थे वहां पर केकेआर के स्पिनर्स ने बिल्कुल ही बात दिया था और ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन रहे केकेआर की टीम का उतना अच्छा परफॉर्म करने का कि वो एक टाइम पर प्लेऑफ से बाहर होने वाले थे लेकिन बाद में वो फाइनल भी पहुंच गए। और ऐसे में अब वरुण चक्रवर्ती क्योंकि भारत की टी20 वर्ल्ड कप टीम में है लेकिन इनको फिटनेस के बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं और ऐसे में ये 100% फिट नहीं है। करेंटली इनके नी में इंजरी चल रही है और ऐसे में बीसीसीआई ने क्लियर आउट किया है कि ये सारे मैचेस में खेलने के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे और वरुण चक्रवर्ती सिर्फ उन्हीं मुकाबलों में आप लोगों को खेलते हुए नजर आएंगे जो मुकाबले कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होंगे, यानी कि जैसे भारतीय टीम को मस्ट विन मैच है कोई या फिर इनको कोई ऐसा मुकाबला खेलना है जिससे लीग में टॉप कर सकते हैं, इन्हीं मुकाबलों में वरुण चक्रवर्ती को उतारा जाएगा। बाकी मैचेस में वरुण चक्रवर्ती को टीम में जगह नहीं दी जाएगी, उनकी जगह आपको रविचंद्रन अश्विन या फिर राहुल चहर में से कोई एक बॉलर खेलता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है मैथ्यू हेडन की तरफ से। मैथ्यू हेडन जो कि आईपीएल में कमेंटेटर थे लेकिन आईपीएल खत्म होने के बाद ही वो पाकिस्तान चले गए, क्योंकि वो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल टीम है उनके साथ भी जुड़े हुए हैं एज अ कोचिंग स्टाफ मेंबर। और मैथ्यू हेडन ने यहां पर टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले से ठीक पहले भारतीय टीम को ललकारा है, जहां पर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की टीम को हल्के में लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और अगर भारतीय टीम ऐसा सोच रही है कि ये पाकिस्तान वो सेम पाकिस्तान की टीम है जो कि पास्ट में थी, जहां पर वो काफी ज्यादा कोलैप्स कर जाते थे भारतीय टीम के सामने, काफी ज्यादा प्रेशर में आ जाते थे, तो ऐसा उनको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है और उन्होंने पाकिस्तान को अपर हैंड दिया है, यानी कि उनको लगता है कि पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में अपर हैंड लेकर जाने वाली है और भारतीय टीम को एक्स्ट्रा एफर्ट करने लगेंगे उनको हराने के लिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आप लोग मैथ्यू हेडन के स्टेटमेंट से सहमत हो या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकलकर आती है पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से, जहां पर केएल राहुल के रिलीज होने को लेकर हम आपको लगातार चैनल के ऊपर अपडेटेड रखे हुए हैं। कल भी हमने आपको पूरी डिटेल में इनके टीम से रिलीज होने और नई टीम ज्वाइन करने की पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी थी, वो वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो आप लोग चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं इससे पहले वाली वीडियो। तो खैर यहां पर पंजाब किंग्स के उनकी टीम के एक ऐसे मेंबर है जिन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया लेकिन उन्होंने इनसाइड स्पोर्ट्स पर एक खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पंजाब की टीम क्लियरली केएल राहुल को खोना नहीं चाहती है, उन्होंने केएल राहुल से बात भी की है कि वो उनको किसी भी हालत में रिलीज होते हुए देखना नहीं चाहते और अब अगर केएल राहुल रिलीज होते हैं तो इसमें पंजाब किंग्स की टीम और उनकी मैनेजमेंट की कोई भी गलती नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो केएल राहुल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उनकी टीम को छोड़कर ना जाएं, अगर राहुल जाते हैं तो ये उनका इंडिविजुअल डिसीजन होगा। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।